आज मेरी वीडियो एल्बम की शूटिंग हो रही है और कई साल हो गए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में लोगों ने इतना पसंद किया। उसके बाद फिर मैं रीजनल फिल्म्स में चला गया और मैंने 50 फिल्म्स भोजपुरी में की। तो यहाँ के जो मेरे फैंस थे बॉलीवुड के, जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दिल ने फिर याद किया, सौतेला, लू में आ गए, इतनी सारी फिल्में देख चुके थे, उनको ये शिकायत थी कि विनय आनंद भोजपुरी में चला गया तो बॉलीवुड में कब आएगा। तो मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत समय दिया, अपने 6 साल दिए। अब आई एम बैक इन बॉलीवुड टू कॉन्सेंट्रेट एंड दिस इज़ माई पॉप एल्बम एंड आई वॉज अ ग्रेट फैन फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑफ माइकल जैक्सन एंड बियॉन्से एंड मैडोना एंड ऑल। सो आई जस्ट डिसाइडेड कि आई शुड कम विद अ पॉप एल्बम। माई ग्रैंड मदर वॉज अ ठुमरी गायिका, निर्मला देवी जी, एंड माई फैमिली बैकग्राउंड, यू नो, all everybody is into films, Govinda ji, my younger brother Krishna Abhishek, Ragini, everybody is in film line. So I'm proud that this album is being produced by my company Flying Horses, and I have sung 8 songs in this album, and very soon we are launching the album. Aur aaj yahan pe shooting chal rahi hai aur gana hai Bhains Ki Poonch. It's a dancing number aur kyunki main pehli baar सिंग कर रहा हूँ तो ज़रूरी था कि मैं सारे फ्लेवर्स दूँ, डांस भी करूँ, थोड़ी बहुत कॉमेडी करूँ, स्टाइल है। और मेरी वाइफ इसे डायरेक्ट कर रही है, ज्योति आनंद, जिन्होंने प्रभु देवा को आर राजकुमार में असिस्ट किया, तो उनका भी ये डेब्यू है एज अ डायरेक्टर इन वीडियो एल्बम। एंड आई होप कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं फिर आया हूँ और इस बार जान लगा कर मेहनत करूँगा। और यही अपने व्यूवर्स को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड में जितने फैंस हैं, मैं कहूँगा कि प्लीज़ वॉच माय वीडियो एल्बम विच इज़ कमिंग सून। आज हम लोग ने अभी तक एल्बम का नाम डिसाइड नहीं किया है और जिस दिन लॉन्च होगा इट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर द व्यूवर्स कि मेरे एल्बम का नाम क्या है। अब फ़िलहाल आप लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करने का ये बात थी कि विनय आनंद इज़ बैक इन बॉलीवुड विद अ पॉप एल्बम। तो मैं चाहूँगा कि अब आप लोग भी ये सोचिए कि मैं क्या लेकर आ रहा हूँ। आप लोग ने कुछ झलकियाँ भी देखी हैं, बस यही कहूँगा कि अपनी ब्लेसिंग्स विनय आनंद पर रखिए। ज़रूर देखेंगे, उनकी झलकियाँ मेरे अंदर ही आपको नज़र आएगी क्योंकि हाँ, अगर मैं एक्ट कर रही हूँ तो नज़र आएगी। बाकी तो यार सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी होते हैं, हम ट्राई करते हैं कि यार आप आ जाएँ। हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे काफ़ी, ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु ही हैं प्रभु देवा जी, मगर एज़ मेरी सिस्टर जो है वो साउथ की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, सिमरन उनका नाम है, उनके साथ प्रभु जी ने आई थिंक मोर देन 15-20 फिल्म्स में साथ में काम भी किया है, डायरेक्ट भी किए हैं कुछ प्रभु उनकी फिल्म्स। तो खैर ठीक है, साथ में काम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो आई थिंक प्रभु सर अंदर से काम कर रहे हैं मेरे साथ में। तो ही इज़ ऑलवेज देयर एंड ही विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज वो ही इज़ माई गुरु एंड दैट्स अबाउट इट। जय माता। पहली बात तो विनय जी बॉलीवुड में थे पहले और फिर भोजपुरी में आए और फिर अभी बॉलीवुड में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, ये सब लैंग्वेजेस हैं। अमिताभ बच्चन ने भी भोजपुरी में काम किया है, अजय देवगन ने भी भोजपुरी में काम किया है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना जॉनर बदल दिया।
जब अगर किसी को कोई लैंग्वेज में काम है और कुछ आ रहा है तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, यू नो. मैं भी एक ऐसी इंडस्ट्री से आई हूँ जहाँ मेरे सर साउथ में काम कर चुके हैं, वो आज 20 साल साउथ में काम करने के बाद आज बॉलीवुड में काम करें, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. जहाँ से जो काम मिले उसको सलाम है, क्यों नहीं करना चाहिए काम.